खबर बमरा थाना पौरी से है। यहाँ कुबेर यादव की बेटी की शादी में तेंदुआ पाली से बारात आई हुई थी, जहाँ सभी लोग हर्षोल्लास के साथ शादी में सम्मिलित हुए थे। रात करीब 1 बजे जैसे ही बारात वधू के घर के दरवाजे पर पहुंची, तब वधू पक्ष के लोग छत पर चढ़कर बारात देखने लगे, जिसमें बाराती खूब आतिशबाजी और हर्ष फायर कर रहे थे। तभी छत पर बैठी महिला रूवी यादव, पति राजेश यादव उम्र 30 साल को गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं पास में खड़ी रूबी की जेठानी सुशीला यादव, पति वासुदेव यादव उम्र 40 साल और उसके पास खड़ी बच्ची सलोनी यादव, पिता विनोद यादव उम्र 25 साल को भी गोली लग गई, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें परिजन शिवपुरी के जिला अस्पताल लेकर आए, जहाँ डॉक्टरों ने उनकी हालत को देखते हुए जिला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहाँ उनका इलाज जारी है। वहीं पूरी घटना में अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि गोली किसने चलाई। वहीं पुलिस ने मामले को विवेचना में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। शिवपुरी से अंकित शाकी की रिपोर्ट। मीना राय से यादव। अच्छा राय जी, ये क्या कैसे आपकी पत्नी घायल हुई है? ये ऊपर छत पे खड़ी थी, हाँ। नीचे से गोली चलाई थी, हाँ। अच्छा पता नहीं है किसकी गोली। वो बाको तो मैं कल आए संजा तक 4 बजे पता पड़ा, ब्याह तक से पता पड़ जाएगा तो कौन कौन बरात में कौन है गोली चलाई, ते के बाद में रिपोर्ट करूँगा। तो अच्छा इसमें और भी कुछ घायल हुए? हाँ भाई, अरे ये एक लड़की है छोटी 2.5 साल की, हाँ। और ये कमी भाभी जी है, हाँ। तो बिना के दर्द शर्र मारा लग गई जाती है। हाँ जाइए जाइए हॉस्पिटल। बारात कहाँ से आई थी? पाली से। कहाँ पर? बमरा। पुलिस में शिकायत करी? मैं चौकी पर पहुँचू, सीपरी 100 नंबर नहीं लगा, तो 100 नंबर लगाए नहीं लगा, गाड़ी भी नहीं है मेरे पास, सब कुछ छोड़ा जाता है घर।